सोलो गाइज अ वेरी गुड इवनिंग टू एंड आई एम अजय कुमार सुनीज एंड गाइज वेलकम टू माय चैनल ट्यूटोरियल पॉइंट 2016 सो गाइज कंटिन्यू करते हैं अपने बिल्ड अ पीएचपी एमवीसी एप्लीकेशन और आज का जो वीडियो रहेगा वो रहेगा फोर जिसमें मैं बात करूंगा वर्किंग विद कंट्रोलर एंड इंडेक्स डॉट पी सो अभी तक मैं आपको थ्री वीडियोज़ दे चुका हूँ एम के अंदर कुछ रीज़न्स हो गए तो थोड़ा बिजी हो गया था तो स्नैरियो नहीं बना पा रहा था तो इस वजह से मैं आपको वीडियो नहीं दे पा रहा था उसके लिए सॉरी और अब मैं आपको फटाफट से MVC से रिलेटेड दूंगा बट फिर भी आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ हमने थ्री वीडियोस देखी हैं एम के अंदर इंट्रोडक्शन देखा था देन डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की थी मैं थोड़ा सा आज का जो वीडियो रहेगा थोड़ा रिवाइज करवाऊँगा आपको फिर थोड़ा कंट्रोलर के साथ देखेंगे और बिल्टअ पी एच पी अपलीकेशन वर्किंग विद मॉडल ऑफ पी मतलब हमने वर्किंग विद मॉडल देखा था क्योंकि मैंने आपको बताया था एम वी सी इज़ अ मॉडल व्यू कंट्रोलर तो अगर आप यू जो यूजर्स मेरी डायरेक्ट इस वीडियो को देखेंगे तो पहले ये थ्री वीडियोज देख लें तभी उनको एम वी सी का मतलब समझ आएगा और मैंने बताया था कि एम एक डिज़ाइन पैटर्न है अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोडिंग करते हैं तो हम सारा कोड एक एक पेज में ही लिख देते हैं तो एम की हेल्प से आप अपनी प्रेजेंटेशन लेयर को अपनी बिजनेस लेयर को अलग कर सकते हो जो यूज़र की रिक्वायरमेंट हो उसको उसके अकॉर्डिंग उसको रिसोर्स दो तो अलग अलग डिज़ाइन पैटर्न है हमारे पास एम वी सी इज़ वन ऑफ देम तो शुरू करते हैं और एक थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज भी करवा दूंगा अभी तो जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं मेरी थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको यस yes. सी, अभी मैं हम कंट्रोलर पे काम करेंगे आज बट फिर भी थोड़ा सा मैं रिवाइज पास क्लाइंट है क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की कंट्रोलर के पास एक्चुअली एम वी सी इज अ मॉडल व्यू कंट्रोलर सो कंट्रोलर इज अ इंटरमीडिएट बिटवीन व्यू एंड मॉडल क्लाइंट आप मैं, कोई भी हो सकते हैं हम कोई रिक्वेस्ट कर रहे हैं यू आर एल की वो कंट्रोलर के पास जाएगा अगर ये डेटा जो भी रिक्वेस्ट आई है अगर वो डेटा से रिलेटेड होगी फॉर एक्जाम्पल अगर आपको डेटा में डेटा से कोई डेटा रिट्रीव करवाना है आपको ये देखना है कि आपने सपोज आपने अपनी वेबसाइट पे सर्च बॉक्स पे लिखा टू में लिखा आपने डेली और फ्रॉम में लिखा मुंबई आपको टिकट देखनी है तो डाटा बेस से रिट्रीव होकर आएगी तो ऐसी रिक्वेस्ट अगर होगी तो वो जाएगी सीधा कंट्रोलर के पास कंट्रोलर फिर जाएगा मॉडल के पास देखिए रिक्वेस्ट करेगा डेटा ऑब्जेक्ट बिकॉज एवरी थिंग पी एच बी ऑब्जेक्ट ऑरेंटिड हो गई है तो इसलिए ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं इनफॉर्मेशन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट आएगी वापस आएगी रिटर्न कहाँ पे कंट्रोलर के पास और फिर सेंड करेगा मॉडल डेटा ऑब्जेक्ट टू व्यू और व्यू फिर उसको एक एस्टिमल फॉर्म में क्योंकि आपको पता है कि क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हमारी जो भी होती है सर्वर पे जो भी प्रोसेस होगा वो ठीक है बट आएगा एट द एंड हमारी स्क्रीन पर आउटपुट इन द फॉर्म ऑफ एस तो व्यू उसके इस तरीके से उस आउटपुट को सेट करेगा एस्टीमल के फॉर्म में और क्लाइंट को दिखा देगा बट अगर एस टी रिक्वेस्ट आई जिसमें डेटाबेस से रिलेटेड हमें कुछ भी नहीं चाहिए तो सीधा कंट्रोलर व्यू के पास आएगा और व्यू डायरेक्टली क्लाइंट को दे देगा मतलब व्यू फिर कंट्रोलर को देगा कंट्रोलर फिर क्लाइंट को दे देगा तो मैं ही समझता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी अगर नहीं होगी तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं मैं उसको और अच्छे से आपको क्लियर करने की कोशिश करूँगा उसके बाद मैंने ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर अभी फॉलो किया है अभी हम अभी मेरा जो टारगेट रहेगा गाइज इस प्लेलिस्ट के अंदर वो वै वो मैं ये कवर करूँगा पहले एक छोटा सा एग्जांपल है ये खाली ये समझाने के लिए कि एम वी सी एप्लीकेशन छोटी सी एप्लीकेशन नहीं है जिसमें मैंने अभी मॉडल के साथ मैंने वक्त बिता लिया आपको मैंने थर्ड वीडियो दे दी है जिसमें मैंने बुक डॉट पी एच बी बनाया था और मॉडल डॉट पी एच बी बनाया था और अब बच गया कंट्रोलर और व्यू और इंडेक्स डॉट पी एच पी तो कोशिश रहेगी आज कंट्रोलर को फिनिश करेंगे हम और इंडेक्स डॉट पी एच पी को करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको जल्दी से जल्दी दे दूँगा और उसमें हम व्यू व्यू देखेंगे और इस वीडियो को फिर मतलब इस प्ले लिस्ट को वाइंड अप तो नहीं करेंगे इस जो जो लिया है इसको वाइंड अप करेंगे फिर मैं आपको एक अच्छा सा एक एस के साथ एम बी सी का एग्जाम्पल दूंगा एक करड एक करड एप्लीकेशन देख लेंगे जो कि पूरा आपको क्लियर कर देगा एम तो इतना सीखने के बाद फिर आप फ्रेमवर्क पे जाएंगे जब इतनी इस इस नॉलेज को लेके अगर आप एम की नॉलेज को अगर आप जब फ्रेमवर्क पे लेके जाएंगे तो आपको काफ़ी ईजी लगेगा तो शुरू करते हैं पर पड़ थोड़ा सा मैं आपको बतायाता हूँ कि मॉडल में हमने क्या किया था और थोड़ा रिवाइस कर लेते हैं फिर कंट्रोलर और इंडेक्स के साथ देखेंगे आज का ये टारगेट रहेगा हमारा तो और अगर आप कहेंगे तो मैं आपको आपसे ये पी शेयर कर दूंगा अगर आपको ई पी चाहिए हो तो आप कमेंट लीव कर सकते हैं सो गाइज लेट सी तो ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया था अभी प्रेजेंटेशन में तो चलते हैं मॉडल के पास अब मॉडल में मैंने दो फैल बनाई है बुक डॉट पी एच पी है मॉडल डॉट पी एच पी तो पहले चलते हैं बुक बुक डॉट पी एच पी थोड़ा उसको फोन बड़ा कर लेते हैं देखिए एक क्लास है बुक अगर गाइज़ आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं क्योंकि तो आप मेरे चैनल पर जाके प्ले लिस्ट में जाइए और यहाँ कंप्लीट 19 वीडियोज़ हैं ऊप से रिलेटेड वो आप सीख सकते हैं तो चलिए बुक एक क्लास बनाइए मैंने एक पब्लिक मैंने तीन वेरिएबल्स बनाए हैं टाइटल ऑथर और डिस्क्रिप्शन तो मैं एकदम स्टार्टिंग से मतलब स्टार्टिंग तो नहीं थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि काफ़ी एक गैप आ गया था तो इस वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा बताना चाहिए तो थ्री वेरिएबल्स बनाए हैं जो तीनों के तीनों पब्लिक हैं और एक कंस्ट्रक्टर बनाया है दिस इज अ वे दिस इज मैजिक मैक्शन मैजिक मैथड सो मैजिक फंक्शन होते हैं हमारे पी के अंदर कंस्ट्रक्टर इज वन ऑफ देम तो मैंने यहाँ पे कुछ पैरामीटर्स पास कर दिए हैं और क्यों रहे हैं अभी जब ये पूरी जब हम मॉडल के साथ जब हम मॉडल का पूरा कोड अभी मॉडल का कोड आपको दिखा रहा हूँ जब हम कंट्रोलर का पूरा कोड कर लेंगे और जब हम व्यू का पूरा कोड कर लेंगे जब ये पूरी एप्लीकेशन चल जाएगी तब मैं आपको दिखाऊंगा फ्लो क्योंकि एम के अंदर एक चीज़ ध्यान रखने वाली है खाली आपको पता क्या सीखना होता है फ्लो कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है व्यू से कंट्रोलर के पास गया कंट्रोलर से मॉडल के पास गया कौन सी चीज़ की रिक्वेस्ट आप कब कर रहे हैं उससे हमें क्या मिल रहा है ये अगर आप समझ जाएंगे तो आप एम समझ जाएंगे दैट्स इट तो अब मैंने यहाँ पे टाइटल ऑथर और डिस्क्रिप्शन तीन चीज़ पास की है मुझे नहीं पता मैंने क्यों पास किए हैं अभी तो क्योंकि अभी खाली मैं आपको कोड बता रहा हूँ किस को इस मॉडल में क्या क्या आ रहा है और जब ये एप्लीकेशन चलेगी तब मैं आपको बताऊँगा ये यहाँ क्यों आया है ठीक है तो मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि मैंने ये क्यों मतलब ये मैं, मैं क्यों कर रहा हूँ अभी खाली एक स्नैरियो बना रहे हैं और मैंने आपको बताया था किसी भी क्लास के अंदर जो वेरिएबल्स होते हैं अगर आपको उसको पॉइंट करना हो तो वी यूज़ दिस की तो दिस दिस इज़ यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग तो मैंने टाइटल को पॉइंट किया मतलब कि ये जो टाइटल आएगा मुझे नहीं पता क्या आएगा अभी मुझे नहीं पता ऑथर क्या आएगा मुझे नहीं पता डिस्क्रिप्शन क्या आएगी वो कहाँ स्टोर हो जाएगी इसके अंदर ठीक है तो हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है ये मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक बुक है कुछ भी हो सकती है उसके लिए जो भी उसका टाइटल होगा ऑथर होगा वो इसमें स्टोर होती रहेगी क्योंकि हर एक ऑब्जेक्ट के लिए आप जो भी डेटा डिस्प्ले होता है हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग होता है मेमोरी स्पेस हर किसी का अलग अलग होता है तो आई थिंक बुक डॉट पी एच पा को क्लियर होगा मैं ऑलरेडी थर्ड वीडियो में डिस्क्राइब कर चुका हूँ बट कोई बात नहीं रिवाइज इसको रिवाइज करना इज नॉट अ बैड थिंग उसके बाद गर्ज मैंने सिंपल से एक बनाया मॉडल डॉट पी एच पी और मॉडल डॉट पी एच पी के अंदर मैंने इस इस बुक डॉट पी एच पी को मैंने इंक्लूड करा लिया इंक्लूड कराने का मतलब ये सारा के सारा कोड ना ऑटोमेटिकली कहाँ आ गया इस पेज पे है प्रेजेंट है अभी तो वी यूज इंक्लूड हमेशा डिस्कस करते आए हूँ मैंने एक क्लास बनाई मॉडल और इसमें दो मैथड बना मैथड बनाया है मैंने एक का नाम है गेट बुक डिटेल्स और एक का नाम है गेट बुक दोनों फंक्शन function की फंक्शनैलिटी ना अपने हिसाब से है तो मैं आपको थोड़ा फंक्शन समझाता हूँ फंक्शन क्या कर रहे हैं इसमें मैंने सिंपल एक एरे बनाया है इस इस रिटर्न को मैं भी हटा देता हूँ एरे बनाया है इसे बोलते हैं है, एसोसिएटिव एरे की और वैल्यू देखिए अगर ध्यान से समझा जाए मैं थोड़ा सा इसको समझाने की को कोशिश करता हूँ हम पी एच पी में ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं और क्या लिखते हैं न्यू और क्लास का नाम ये तरीका होता तो है ऑब्जेक्ट बनाने का ठीक है ये तरीका होता है ऑब्जेक्ट बनाने का तो अब देखिए यहाँ हो क्या रहा है स्नैरी कुछ ऐसा है गेट बुक डिटेल्स क्या करता है हमें बुक की डिटेल देगा उसका टाइटल भी देगा उसका ऑथर का नाम भी देगा तो मैंने क्या करा है यहाँ पर एरे के अंदर एक्स वाई जेड एक ऑब्जेक्ट बनाया देखिए ये क्या है बुक का नाम है न्यू की वर्ड ऑब्जेक्ट बनाने के लिए यूज़ करते हैं और ये क्या है बुक मतलब किसका ऑब्जेक्ट बनाया है मैंने गाइस इस बुक का ऑब्जेक्ट बनाया है यहाँ पर और जैसे ऑब्जेक्ट बनता है आपको क्या मैंने बता रखा है हमेशा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की जब सीरीज कर रहे थे हम कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाता है आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर या, क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैंने मॉडल के अंदर ऑब्जेक्ट बनाया है एक्स वाई जेड बुक किसका किस क्लास का बुक का, का और बुक को हम ऑलरेडी इंक्लूड करा चुके हैं और उसमें क्या पास किया बुक का टाइटल उसके ऑथर का नाम और एक और चीज थी क्या थी बुक की डिस्क्रिप्शन तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए यहाँ पे कितने ऑब्जेक्ट बनाए हमने एक दो दो ऑब्जेक्ट बनाए आई थिंक आपको ये क्लियर होगा और इसको मैंने क्या करा फिर रिटर्न करा दिया रिटर्न क्यों कराया बताता हूँ अभी मैं आपको तो आई थिंक ये क्लियर होगा आपको ये अच्छे से दो ऑब्जेक्ट बन जैसे फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनेगा एक्स वाई जेड क्या को, क्या ये क्या होगा फटाफट से ये तीनों वैल्यू जो एक्स वाई जेड बुक है अजय सुनेजा और ये क्लासिक बुक जो है ये कहाँ सेट हो जाएगा जाके यहाँ पे इस टाइटल में सेट हो जाएगा और ऑथर में अजय सुनेजा आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी और यहाँ सेट हो जाएगी फिर सेकेंड ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा जंगल बुक सेम इसके लिए भी तो ये वेरिएबल्स हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग तरीके से काम करेंगे जब मैं बात करूंगा एक्स वाई जेड की तो एक्स वाई जेड की जो डिटेल्स हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ फिल हो जाएंगी और फिर जंगल बुक के जंगल बुक के हिसाब से हो जाएगी तो आई थिंक गेट मैट मैथड आपको क्लियर होगा जो गेट बुक डिटेल्स आपको क्लियर होगा जो क्या कर रहा है आपको ऑब्जेक्ट बना के दे रहा है और डिटेल आपकी सेट हो रही है आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली तो ये फ्लो ही समझना है आपने उसके बाद मैंने फंक्शन बनाया गेट बुक और ये गेट बुक तब काम करेगा जहाँ पर हमें कोई टाइटल रिसीव हो रहा होगा तो इसकी अपनी फंक्शनैलिटी है यहाँ पर अगर टाइटल रिसीव होगा तो क्या होगा देखिए मैंने फंक्शन कॉल किया है गेट बुक डिटेल्स जो कि ये यहाँ पर मैंने कॉल कर रखा है अगर खाली अगर आपको देखिए टाइटल रिसीव हो रहा है अगर मैं चाहता हूँ कि सब कुछ सारी सारी चीज़ें डिस्प्ले हों mm -hmm. तो मैंने उसके लिए फंक्शन सबके लिए काम करेगा मैं चाहता हूँ कि सारी चीज़ें डिस्प्ले हों बट अकॉर्डिंग टू द टाइटल टाइटल के हिसाब से डिस्प्ले हो तो यहाँ टाइटल रिसीव होगा तभी वो डिस्प्ले होंगी टाइटल के हिसाब से तो मैंने फंक्शन कॉल कर रखा है यहाँ पे गेट बुक डिटेल्स तो मैंने आपको बता रखा है किसी भी क्लास के अंदर किसी फंक्शन को उसी क्लास के अंदर कॉल करना हो वो यूज़ दिस कीवर्ड वर्ड तो मैंने दिस कीवर्ड यूज़ किया तो क्या कॉल होगा ये कॉल होगा मान लीजिए आपने टाइटल पास कर दिया एक्स वाई जेड बुक तो एक्स वाई जेड बुक यहाँ पर आएगा ये फंक्शन कॉल होगा ये कहाँ इसको कॉल ये ये फ्लो यहाँ पे जाएगा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और फिर यहाँ पे आएगा बुक डॉट पी एच पी में वैल्यू सेट हो जाएगी यहाँ पे सेट होने के बाद इस ऑल बुक्स पर हमने स्टोर करा दिया वो इस ऑल बुक्स के अंदर पता क्या स्टोर है इस ऑल बुक्स के अंदर उस टाइटल की इन्फॉर्मेशन स्टोर है और टाइटल क्या था हमारा एक्स वाई जेड बुक मतलब अजय सुनेजा एंड क्लासिक बुक स्टोर है और ये रिटर्न कर देगा फंक्शन क्या टाइटल मतलब उस टाइटल की डिटेल तो ये दो फंक्शन बनाए हैं मॉडल में अभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ तो उम्मीद करता हूँ कि इतना अभी तक हमने थ्री वीडियोस में इतना ही देखा था अब मैं चलता हूँ कंट्रोलर के अंदर और इंडेक्स के अंदर तो पहले हम चलते हैं इंडेक्स के अंदर और फिर कंट्रोलर के अंदर देख के वीडियो को वाइंड अप करेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे व्यू और फिर इस एग्ज़ाम्पल को ख़त्म करेंगे चलिए ये शुरू करते हैं तो हमने आज अपना जो इस वीडियो में देखने कंट्रोलर डॉट पी एच पी और इंडक्स डॉट पी एच पी का सबसे कंट्रोल में चलता हूँ मैं आपको लेके उसके बाद मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा देखते हैं अभी सी यहाँ पे सिंपल एक क्लास बनाते हैं कंट्रोलर ठीक है और इसमें एक फंक्शन इसमें एक काम करते हैं जो हमारा स्नेरियो ये है अब कंट्रोलर क्या होता uh, है गाइज देखिए क्लाइंट से रिक्वेस्ट आई कंट्रोलर के पास जाएगी अब मैं पे एक काम करता हूँ मैं इंक्लूड करा लेता हूँ अगर आपको समझ अभी दा, अभी अभी तक खाली इतना समझिए आप कि मैं क्या कोड लिख रहा हूं जैसे ही मैं कोड पूरा लिख लूंगा तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा फ्लो कैसे कैसे जा रहा है बस वो फ्लो ही एम वी सी पे बेस्ड है अगर आप वो फ्लो सीख जाते हैं पूरा कोड आपको क्लियर हो जाएगा मैं इंक्लूड कराता हूँ यहाँ पे सिंपल मॉडल स्लैश हमें क्या चाहिए मॉडल मैं चाहता हूँ कि मॉडल डॉट पी एच पी यहां इंक्लूड हो जाए मतलब कि ये जो कोड देख रहे हैं आप ये दो फंक्शंस जो हैं और ये मॉडल है देखिए इसका ऑब्जेक्ट बुक डॉट पी एच पी जो है इसका ऑब्जेक्ट कहाँ बनेगा इसका मैंने ऑब्जेक्ट ही बनाया इसका ऑब्जेक्ट यहाँ बन रहा है देखिए बता चुका हूँ अब मैं क्या करूँगा इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बनाऊँगा यहाँ पर क्यों कर रहा हूँ ऐसा भी देखते हैं ताकि मैं आप ये चीज़ मैं फुलफिल कर पाऊँ ये वाली मैं कॉम्प्लिकेट करने गाइस बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहा थोड़ा सा एम के अंदर ये चीज़ होती है क्योंकि मैं कोई फ्रेमवर्क यूज़ नहीं कर रहा हूँ इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको बट मेरी रिक्वेस्ट है अपने पी के कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉग रखिएगा तभी इसको समझने की कोशिश कीजिएगा अदरवाइज प्रॉब्लम होगी ये पूरा डैक्ट्री स्ट्रक्चर हमने फॉलो करना है ठीक है तो चलते हैं एक बार कोड में वापस और मैंने यहाँ पे सिंपल अपने मॉडल डॉट पी को इंक्लूड मॉडल डॉट पी को हमने इंक्लूड करा लिया है यहाँ पे अब मैं सिंपल यहाँ पे बनाता हूँ पब्लिक फंक्शन कंस्ट्रक्श कंस्ट्रक्ट और कंस्ट्रक्टर में हम क्या करेंगे देखिए मैं चाहता हूं कि जो मॉडल डॉट पी एच पी एन एस को ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूं यहाँ पे जैसे ही कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बने तो क्या क्या कॉल हो जाए इस मॉडल का ऑब्जेक्ट बन जाए तो मैं सिंपल क्या करूंगा अब ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं ऑब्जेक्ट का नाम होता है तो एक काम करते हैं आप एक पब्लिक दे देते हैं पब्लिक एक मॉडल की वर्ड मतलब मॉडल वेरिएबल बना देते हैं और आई वॉन्ट टू यूज दिस वेरिएबल एज अ ऑब्जेक्ट सो यू कैन यूज दिस की वर्ड बिकॉज दिस की वर्डर इज यूज फॉर सेल्फ रेफरेंसिंग सो तब ये वैसे वर्क करेगा जैसा मैं चाह रहा हूँ तो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं और यहाँ लिखते हैं सिंपल न्यू मॉडल देट सेट देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे जैसे ही मैं कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा ना ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा अपने आप और अपने आप फिर जो मॉडल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा कंट्रोलर के अंदर ही कैसे बनेगा देखिए आप ध्यान से मैंने इंक्लूड करा लिया एक तो बस दिस इज अ वे टू क्रिएट अ ऑब्जेक्ट तो आई थिंक ये क्लियर होगा इसमें भी कोई डाउट आता है ना गाइज़ आप कमेंट लीव कीजिए मैं डेफिनेटली आपको जरूर क्लियर करने की कोशिश करूंगा क्योंकि मैंने ना ये ये मैं चीज़ें कैसे करा रहा हूँ आपको मैं ऑलरेडी सारी ये डिस्कस कर चुका हूँ अपने ऑब्जेक्ट के सीरीज़ में तो अगर यहाँ जहाँ भी दिक्कत आ रही है आप कमेंट लीव कर सकते हैं और एक फंक्शन आते हैं पब्लिक ये सब स्नैरियो ड्रीवन है गाइज़ मैंने सब स्नैरियो सोच रखे हैं बना रखे हैं ये तो उसी के हिसाब से है ये इन अब ये एक फंक्शन होगा इन आई डोंट नो अभी ये क्या करने वाला है बट हमने बना दिया है अभी अब हम सिंपल एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे कंट्रोलर का कहाँ पे अपने इंडेक्स के अंदर अब देखिए मैं बिल्कुल एकदम वाइज कर रहा हूँ देखिए क्लाइंट कॉम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर से हमारा क्लाइंट क्या है इंडेक्स डॉट पीएचपी ध्यान से समझिए आप इंडे डॉट इंडेक्स डॉट पी पे कॉम्युनिकेट करेगा कंट्रोलर से तो अब इंडेक्स के अंदर क्या करते हैं कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ठीक है तो सिंपल आप क्या कीजिए कंट्रोलर न्यू कंट्रोलर ठीक है और अब ऐसे तो ये ऑब्जेक्ट बनेगा नहीं आपको इंक्लूड करानी पड़ेगी कंट्रोल वाली फाइल तो इसको हम इंक्लूड करा लेते हैं यहाँ पे कंट्रोलर स्लैश कंट्रोलर डॉट पी और सेमी ठीक है इतना करने के बाद देखिए हो क्या अब यहां से सब कुछ सीखना है आपको अब हमने जो भी सीखना है अपनी इंडेक्स वाली फाइल से सीखना है देखिए सेव कर लेते हैं इसको हमसे पहले हमने अगर आपने कंट्रोलर डॉट पी एच पी की जो फाइल थी उसको इंक्लूड करा लिया अपने इसके अंदर इंडेक्स के अंदर इसको ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव बना लिया और ऑब्जेक्ट से आपको पता है कि कोई भी फंक्शन किसी क्लास का कॉल करना हो और वो आपका स्टैटिक फंक्शन ना हो और नॉन स्टैटिक हो और नॉन स्टैटिक फंक्शन किससे कॉल होते हैं हमारे देखिए अपने आप आगे इन वॉक इन वॉक पर मतलब कि अब हम किसको कॉल करेंगे इन वॉक को और इन वॉक का है ये रहा तो आई थिंक क्लियर गाइज आपको क्लियर हो रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ और देखिए अभी मैं समझाने की कोशिश करता हूँ एकदम स्टेप बाय स्टेप इंडेक्स पे आए हम हमने कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट बनाया बनाया उससे इन वॉक कॉल किया फ्लो कहाँ गया सीधा फ्लो गया सीधा कंट्रोलर के पास जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा क्या कॉल हो जाएगा ये हो जाएगा कंस्ट्रक्टर कॉल और आपका जो मॉडल है मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट बन जाएगा बन गया मॉडल क्लास का ऑब्जेक्ट आपका बन चुका है अब मैं अगर मैं चाहूँ इस फंक्शन को कॉल करना और इस फंक्शन को कॉल करना मैं इजिली कॉल कर सकता हूँ क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया है कैसे कॉल करूंगा इसकी हेल्प से ये प्लस फंक्शन नेम कौन सा फंक्शन कॉल करना देखिए अपने आप आ गेट बुक और गेट बुक डिटेल अपने आप आ गए गाइस दिस इज़ एमवीसी यही समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको देखिए मैं भी समझाऊंगा फिर से इन वो फंक्शन बना लिया अब हम इन फंक्शन में अपनी फंक्शनिटी लिखेंगे और और नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे हम बुक लिस्ट और व्यू बुक और फिर मैं लास्ट में एक वीडियो आपको जरूर दूंगा जिसमें एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे सारी दोबारा से पूरी रिवाइज कर लेंगे ताकि ये डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में आपके दिमाग में डाल दूँ देखिए सिंपल पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा मैं और लिखूंगा यहाँ पे नॉट इस सेट क्यों कर रहा हूँ देखते हैं अभी डॉलर गेट यहाँ लिखता हूँ बुक अब आप देखिए मैं क्या करके आ रहा हूँ यहाँ पे और एक एल्स दे देते हैं आप देखिए मैंने क्या कर रहा हूँ मैंने क्या कॉल किया है अपने इंडेक्स वाली फाइल से इन कॉल किया मैंने यहाँ कुछ पास किया कुछ पास नहीं किया अगर पास करूँगा तो क्या चलेगा मेरा इफ़ चलेगा अगर पास नहीं करो तो क्या चलेगा एल्स चलेगा आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर होगी अब मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैंने दो फंक्शन बना रखे हैं एक फंक्शन बनाया है मैंने मॉडल के अंदर गेट बुक डिटेल्स एक बनाया है गेट बुक गेट बुक बुक डिटेल्स काम करेगा सबके लिए और गेट गेट बुक काम करेगा खाली किसी अगर कुछ आ रही होगी वैल्यू तो उसके लिए तो पहले मैं काम करता हूँ इफ़ में क्या करता हूँ अगर कुछ नहीं आ रहा मतलब कुछ भी मतलब नोट लगा दिया देखिए मैंने अगर नोट हटा दूंगा तो मतलब बुक कोई वैल्यू आ रही है मैंने मैंशन कर दिया कुछ नहीं आ रहा सिंपल मुझे क्या कॉल करना है अपना मुझे मॉडल क्लास का एक फंक्शन कॉल करना है जिसका नाम है गेट बुक डिटेल्स तो मुझे इसकी हेल्प से करना होगा मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी तो देखिए गेट बुक डिटेल्स अपने आप आ गया हो गया कॉल इसे किसी रेलवे में स्टोर कर लेते हैं इसको किसी में क्योंकि काफी सब क्योंकि ये फंक्शन ये क्या देगा सारी बुक्स देगा इसको नाम देते हैं मीनिंगफुल बुक्स ठीक है और अगर कोई वैल्यू आ रही है तो उसके लिए हम क्या कॉल करेंगे गेट बुक और जो भी वैल्यू आएगी उसे यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ होगा बुक सिंगल बुक ही आएगी तो मैं ये समझता हूँ कि जितना मैंने आपसे भी डिस्कस किया है कंट्रोलर के बारे में अगर आपको ट्वेंटी परसेंट भी समझ आ गया सही है सीरियस कह रहा हूँ मैं क्योंकि जब मैं आपको व्यू के बारे में बताऊँगा तब आपको फिफ्टी परसेंट समझ आएगा जब पूरी एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा आप समझेंगे अच्छा फिर सिक्सटी फाइव परसेंट होगा अभी हंड्रेड परसेंट नहीं करता अभी सिक्सटी फाइव परसेंट जब मैं आपको पूरी एप्लीकेशन चला के दिखाऊंगा मैं फिर दोबारा फ्लो समझाऊंगा कहाँ से कहाँ मूवमेंट हो रही है तब आपको समझ आएगा तो क्या कंट्रोलर आज हो गया व्यू भी हो गया इतना ही था खाली कंट्रोलर अब मैं व्यू में आपको बताऊँगा बुक लिस्ट और व्यू बुक और उम्मीद करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में जल्दी से जल्दी आप मैं भी आज ही बना दूँगा मैं आपको ये फटाफट से वीडियो दे दूंगा उसके बाद फिर हम चलेंगे एक छोटी सी एप्लीकेशन बनाएंगे कर्ड एप्लीकेशन और काफ़ी आपको हेल्प करेगी पर हमारी मेन अप्रोच हमारी जो मेन अप्रोच है वो ये है ये है हमें इस डायरेक्टरी को अचीव करना है अच्छे तरीके से और एक एग्जाम्पल को क्लाइंट से रिक्वेस्ट गई कंट्रोलर के पास कंट्रोलर अगर आप वो डेटा से रिलेटेड नहीं है तो बिजनेस लॉजिक पर नहीं जाएगा सीधा प्रेजेंटेशन लेयर पर जाएगा व्यू इज़ जा अ प्रेजेंटेशन लेयर और आपको दे देगा और व्यू फिर कंट्रोलर को वापस देगा कंट्रोलर ही आपको देगा और उसके बाद फिर अगर वो डेटाबेस से रिलेटेड है तो एज रिटर्न ऑब्जेक्ट डेटा ऑब्जेक्ट यहाँ पे मतलब रिक्वेस्ट करेगा उस ऑब्जेक्ट के लिए मॉडल फिर आपको रिटर्न करेगा वो सेंड करेगा डेटा ऑब्जेक्ट व्यू को व्यू एस्टीमल फॉर्म में तैयार करेगा कंट्रोलर वापस देगा कंट्रोलर को और क्लाइंट को दे देगा तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको व्यू के बारे में उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप पे जाके मेरे चैनल पर जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं सो गाइज थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ थैंक यू अ गुड डे थैंक यू